नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज के इस नए वीडियो में हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नए कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी को लेकर। और इस नए कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनी आ रही है उसका नाम है सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक जापानीज कंपनी है। इसका प्लांट गुजरात के महसाना में है। तो वो सभी ITI कैंडिडेट जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी कंपनी में जॉब करने की, क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। तो अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो सभी ITI कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए इस वीडियो में बने रहें। तो होगी पूरी बात, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब डिटेल में इस कैंपस की जानकारी ले लेते हैं। तो अगर सबसे पहले कैंपस के वेन्यू की बात करें तो ये कैंपस होने वाला है गवर्नमेंट ITI मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। जैसा कि काफ़ी टाइम से कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूपी के बारे में कैंपस लगे, तो ये कैंपस यूपी के कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अपने ITI कर रखी है। यहाँ पर कैंपस का जो प्लेसमेंट की जो डेट है वो है फ्रेंड 11 फरवरी। 11 फरवरी को आपका यहाँ पे होगा रिटर्न टेस्ट और 12 को होगा इंटरव्यू। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है कि 12 को ही इंटरव्यू होगा। अगर कैंडिडेट कम पहुँचेंगे तो वो इंटरव्यू भी 11 को ही करा सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गुजरात के महसाना में है। तो यहाँ पे ITI के बारे में बात कर लें तो अगर आपने अपनी ITI पास की है गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से NCVT या SCVT से, तो आप एलिजिबल हैं। और आपके 10th में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और ITI में मिनिमम 60%। अगर हम ITI की टेट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टेट्स हैं फ्रेंड यहाँ पर। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, PPO और मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर जनरल और ऑटोमोबाइल COE। तो अगर इन सभी ट्रेड से आपने अपनी ITI कर रखी तो इन सभी ट्रेड से कैंडिडेट कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज लिमिट फ्रेंड यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 ईयर है। तो अगर आपकी एज 23 ईयर तक की है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे ITI पास आउट सेशन जो फ्रेंड है, अगर आपने अपनी ITI पास कर रखी है 2015 या 2016, 17, 18 या फिर 2019, तो इन सभी कंडीशन में आप इस कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपकी एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर सैलरी और अदर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो सैलरी होगी फ्रेंड आपकी 17,500 रुपये पर मंथ CTC, और आपको साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे 2 पेयर शूज़, सब्सिडी फूड भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो साथ ही साथ आपको दिया जाएगा एकोमोडेशन। तो वो सभी ITI कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और जॉब करना चाहते हैं वो इस कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो यहाँ पे एक इशू होता है फ्रेंड कि अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको बाद में कंपनी छोड़नी भी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो 7 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद वहाँ पे दोबारा रीज्वाइनिंग भी होती है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है तो आपको दोबारा वहाँ पे रीज्वाइनिंग का मौका मिल जाएगा। और उसके साथ एक बेनिफिट ये भी रहता है फ्रेंड, अगर आप इस अच्छी कंपनी से एक दो बार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वर्क कर लेते हो तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आप दूसरी कंपनी में या फिर सुजुकी मोटर्स की विंडर कंपनी में आप कंपनी बेस में भी जॉब पा सकते हो, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वर्क नॉलेज होगा, उसके बिहार पे आपको कंपनी में जॉब मिल जाएगी। और यहाँ पे फ्रेंड अगर आपको इस कंपनी से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हम आपको ये नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो कैंपस के लिए HR आएंगे उनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, तो उस पर कॉल करके आप इस कैंपस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हो। फ्रेंड जैसा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ आपके रिक्वेस्ट पे, जैसा कि आप बोलते हो, तो अगर आप मेरे वीडियो को वॉच करते हो तो प्लीज़ पूरा वॉच करिया करिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट दिक्कत लगती है या मेरे वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि जब आप हमारी कमी बताएंगे तभी हम उसे दूर कर पाएंगे। क्योंकि आप और हम मिलकर एक टीम, एक परिवार, एक फैमिली है। तो अगर आप हमारी कमी को बताएंगे तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, आपकी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, ना ही बुरा मानेंगे। इसलिए आप हमारे कमी को बताइए, हम अपने आप को या अपने चैनल को कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।